नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं देवेंद्र अत्री। नमस्कार देवेंद्र अत्री से, जो कि हमारे बहुत बड़े शायर भी हैं और गवर्नमेंट जॉब भी इस वक्त करते हैं। हम चाहते हैं कि ये आज आपको अपनी इंट्रोडक्शन खुद दें। अत्री साहब, हम आपको जनता को इस अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं देवेंद्र अत्री शाहपुरकंडी से, जो कि जिला पठानकोट में पड़ता है, और मुझे शायरी का शौक है। और ये शौक बचपन में था, लेकिन 19-20 साल की उम्र में ये शौक ज़्यादा बढ़ा। इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, पंजाब का जो सिंचाई विभाग है उसमें मैं कलर की पोस्ट पे हूँ। और साथ साथ में ये शायरी चलती है, और कई प्रोग्रामों में, कई फंक्शन में जाने का मौका मिला है, कई मुशायरों में जाने का मौका मिलता है, तो जाता हूँ वहाँ, अपनी गज़लें पढ़ता हूँ, और सर्विस के साथ साथ ये मुझे शौक है। तो हम चाहते हैं हमारे इंटरव्यू शुरू होने से पहले एक बहुत सा बढ़िया सा हमारे हमको शायर सुना दीजिए, या जो हमारे जो टीम दर्शक देख रहे हैं उनका आपकी इंटरव्यू की तरफ हमारी तरफ से एक बहुत बढ़िया रुझाव बना रहा है। देखिए, जो शेर है, जो काफी सारे लोगों ने पढ़ा भी और लिखा भी गया, मेरे वो 20 साल पुराना पीछे जाना पड़ेगा। उस समय का शेर है कि किनारा करके दुनिया से मैं सब कुछ छोड़ जाऊंगा, वाह वाह वाह, किनारा करके दुनिया से मैं सब कुछ छोड़ जाऊंगा, बहुत गहरे जो रिश्ते हैं उन्हें भी तोड़ जाऊंगा, कभी तन्हाइयों में याद करके मुझको रोए तू, कभी तन्हाइयों में याद करके मुझको रोए तू, तेरी मैं आंख में इतने तो आंसू छोड़ जाऊंगा। वाह वाह वाह। अति साहब, ये जो आपकी शायरी है, ये अक्सर आप जॉब भी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, वहां पर भी ऐसे ही शायरो शायरी लगी रहती है? देखिए, जिस चीज़ का आदमी को शौक होता है उसके लिए वो समय निकाल ही पाता है, ठीक है, और निकल जाता है समय। जैसे कि काम करते हुए जब कोई बात आ जाती है, वो अपने जहन में वैसे ही चलती रहती है। ठीक है, जब कोई कोई गज़ल आ जाती है, या कोई जो भी कोई बात हम देखते हैं बाहर गुजरते हुए, या सड़क पर चलते हुए, बिल्कुल, तो किसी को देखते हुए, या कोई हादसा देखते हुए, तो जैसे कोई अपने इर्द गिर्द कुछ बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, या कोई नज़ारा ऐसा है बिल्कुल, जिसे देखकर लिखने का मन करता है, ठीक, तो ऐसा हो ही जाता है कि लिखने का कोई ना कोई बहाना उसे मिल ही जाता है। अतरी शायरी के साथ और क्या क्या शौक है आपको? देखिए, बहुत सारी ऐसी सोशल एक्टिविटी हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक युवा विकास मंच है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और उसमें लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ ऐसा करने का मौका मिलता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे मंच हैं जिस पर मैं जाकर शायरी ही नहीं, शायरी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, साथ में एंकरिंग करता हूँ, ठीक है, बहुत सारे मंचों का संचालन भी करने का मुझे मौका मिलता है। ठीक है, इसलिए शायरी तो करनी है, लेकिन शायरी के साथ उसे किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, मैं इसलिए अलग अलग कई तरह के मंच पर जाने का मुझे परमात्मा की कृपा से मौका मिलता है। अति जी, आपका बचपन कहाँ बीता? बचपन मेरा ज़्यादा अपने नाना के घर में बीता, ठीक है, मेरे पठानकोट में, मेरे जो नानके हैं ठीक है, पठानकोट में है। और बचपन कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं था, जैसे जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं बच्चे, बिल्कुल, उन बच्चों में से नहीं हूँ। बचपन में स्ट्रगल था, और उस स्ट्रगल, उस जो कश्मकश में जो हालात थे ऐसे, और ज़माने की तंगदिली समझो या घर के हालात समझो, बस बिल्कुल, उन्हीं चीज़ों ने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है सर, आपने जो एजुकेशन किया वो कहाँ तक की आपने? जो मेरी एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन है ठीक है, ST कॉलेज पठानकोट से। ठीक है, हाँ जी, और इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ और छोटे छोटे और भी कई शौक हैं, जैसे कि बच्चे घर में आते थे उसको, उनको पढ़ाने का शौक, ठीक या है, फिर जो लोग पढ़ना नहीं चाहते उन तक पहुंचना कि वो पढ़ना शुरू कर दें, तो अच्छा, ये शौक है। जब लोग, कई ऐसे बच्चे होते हैं जैसे स्कूल के कई फंक्शन होते हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमें बोलना नहीं आता, तो
कई कविताएं लिखने के लिए है। लिखवाने के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी मदद करता हूँ। ठीक है अजी साहब, आप मैरिड हैं? हाँ मैं मैरिड हूँ, मेरी जो वाइफ है वो भी एम कॉम बी एड है और एम ए इंग्लिश है, वो गवर्नमेंट जॉब करती है, इंग्लिश टीचर। ठीक है, फादर साहब का आपके क्या करते? मेरे फादर साहब हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, 98 में वो रिटायर हुए। ठीक है, और अभी वो घर पर है। ठीक है अति साहब, ड्यूटी टाइम आप जब जॉब पे होते हैं तो आप जब सर्विस करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पर आपका जब मूड बन जाता है, कभी सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर सर्विस मैन, जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल, तो वहाँ पर भी ऐसी शेर व शायरी का अपने महफिल लगती है? देखिए ये एक बात जहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं सर्विस पे हूँ तो वहाँ का जो काम है उसे भी पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। ये नहीं कि वहाँ अगर शायरी आ जाए तो मैं अपना जो काम है उसे छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। हाँ ध्यान बीच में रहे, वो मुझे पता है कि उसको कैसे डिवाइड करना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि उसे छोड़ देना है। काम अपना जो सर्विस का काम है उसे पूरा करना है, गवर्नमेंट के साथ ऐसी कोई धोखे वाली बात नहीं है, अपना काम ईमानदारी के साथ करना है। लेकिन जो आपने कहा कि दोस्तों के साथ या फिर साथ जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनके साथ रिलेशन बहुत बढ़िया है, एज ए शायराना भी और एज ए इंसानियत के तौर पर भी उनके साथ बहुत प्यार से वो मेरे साथ पेश आते हैं। उसका कारण शायद यह है कि जो हमारा लघु लहजा होता है शायर लोगों का या फिर उनका जो शायरी करने का अंदाज है उसके साथ से जो रिलेशन है वो बहुत बढ़िया है सभी के साथ। अतः जी हमें अपनी शायरी लैंग्वेज में आप जनता को या नौजवान पीढ़ी को शायरी लैंग्वेज सिखाइए कि नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ शायर करके सुनाइए। देखिए ये नशे की सारा पंजाब है जो, सारा देश है जो अभी नशे के पीछे पड़ा हुआ है, बिल्कुल के नशे पे बोलो नशा करो। मैं चाहता हूँ जो नशा है वो अच्छी चीजों के लिए होना चाहिए, बिल्कुल। जैसे नशा कोई जरूरी नहीं है कि शराब का नशा है, ठीक है, नशा कोई जरूरी नहीं है कोई और कोई हम मेडिसिन लेते हैं उसका नशा है, नशा ओहदों का भी है। ओके, जिनके पास ओहदे हैं उनका नशा बहुत ज्यादा काम खराब कर रहा है, ठीक है। और जो ये जो नशा है ये अकेला ये नहीं कि हम कोई चीज खाते हैं जो उसी के साथ नशा है, नशा जरूरी है तो नशा मेरे हिसाब से देश के लिए काम करने के लिए नशा होना चाहिए, शहीदों की शहादत का नशा होना चाहिए या फिर नशे से बगावत का नशा होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं एक आपको बात बताता हूँ, मुझे एक पंजाब का बहुत बड़ा शायर है लुधियाना, वहाँ ही मुझे मुशायरे में जाने का मौका मिला, ठीक है, वहाँ बहुत सारे लोग मुस्लिम लोग भी वहाँ आए, बिल्कुल पाकिस्तान से भी लोग आए हुए थे, तो वहाँ मुझे जब पढ़ने का मौका मिला तो उन्होंने ये देखा कि ये जो लोग आए हैं पढ़ने के लिए जो उम्र इनकी छोटी है क्या कहेंगे ये, तो वहाँ पंजाब के और भी बहुत बड़े बड़े शायर कवि आए हुए थे, तो वहाँ मैंने एक कविता कही थी। अभी मैं ये नहीं कहूँगा उसका कोई नशे के साथ रिलेशन है, लेकिन उसका ये है कि ये जो मैसेज जाता है लोगों को प्यार का मोहब्बत का, शायरी एक ऐसी चीज़ है कलम में इतनी ताकत है पूरे समाज को बदल सकती है, तो वहाँ एक छोटी सी कोशिश मैंने की उसके लिए चंद लाइनें हैं कि मिटा दूं फासले दिल के किसी पंछी सा हो जाऊं, मिटा दूं फासले दिल के किसी पंछी सा हो जाऊं, मेरी मर्जी रहूं मंदिर में जा मस्जिद में सो जाऊं, खुदा हो मेहरबान मुझ पर मैं सूरज चांद हो जाऊं, खुदा हो मेहरबान मुझ पर मैं सूरज चांद हो जाऊं, कभी निकलूं कराची से कभी दिल्ली में खो जाऊं, कभी निकलूं कराची से कभी दिल्ली में खो जाऊं, फजाओं में जो बिखरा दे वफा इखलाक की खुशबू, फजाओं में जो बिखरा दे वफा इखलाक की खुशबू, मैं भारत पाक की धरती में ऐसे बीज बो जाऊं, और आखिरी शेर था कि मिले ऐसा मुझे चेहरा जो हिंदू हो ना मुस्लिम हो, मिले ऐसा मुझे चेहरा जो हिंदू हो ना मुस्लिम हो, इबादत में चढ़े जो रोज ऐसा फूल हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है अति साहब। अति साहब हमें यह आप बताइए कि आप
जो आजकल के बहुत नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उधर फिर रहे हैं, उनको उनके बारे में आपको नया मैसेज है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी बेरोजगारी हमारे पंजाब में, हिंदुस्तान में कैसे या ज़्यादा पंजाब में कह सकते हैं, बहुत से लोग हैं जो काफ़ी एजुकेशन लेने के बावजूद भी फ्री घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहली तो ये बात है कि हमने बहुत कुछ अपने सीने पर सहा है इस देश ने। बिल्कुल तकरीबन 800 साल हमने मुगलों की गुलामी सही, बिल्कुल उसके बाद हमने अंग्रेज़ों की भी सही। बिल्कुल अभी इतने जख्म हमने खाए हैं, तो हमें खुली हवाओं में उड़ने के लिए, जहाँ उन्नति की तरफ जाने के लिए हमें बहुत सारा समय लगेगा। अभी ये 60-70 साल का जो समय है, ये कुछ ज़्यादा समय नहीं है। अमेरिका को याद हुए, उनको आज़ाद हुए मेरे ख्याल 200 साल से बढ़कर हो गया, तो वो कहाँ पर है। इतना नहीं कि हमने कुछ पाया नहीं, इतने समय में हमने बहुत कुछ पाया है, सरकारों ने बहुत कुछ किया है। और मैं समझता हूँ, बाकी रही बेरोज़गारी की बात, वो अकेला हमारे देश में नहीं, और भी देशों में है। बिल्कुल और अगर दिशा निर्देश कुछ अच्छे हो जाएं, बिल्कुल अगर ऐसे कुछ नियम बने, हमारी जो बेसिक एजुकेशन है वो बढ़िया हो, उसके साथ टेक्निकल भी हो, तो जो देश का नौजवान है उसे रोज़गार मिलने में कोई समय नहीं लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और बहुत सारे लोग अभी भी बाहर से हमारे देश में आ रहे हैं, कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं, तो वहाँ से आकर जहाँ अब लोग आने शुरू हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल अति जी, हमें जो जितने भी हमारे शायर हैं, शायरों को हमारे जो सरकार के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए या क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना देखिए, जो चाहेंगे? मैंने पहले कहा कि जो शायर लोग हैं उनकी कलम में बहुत ताकत है। बिल्कुल मैं क्या, आप भी जानते होंगे कि वक्त वक्त पर ऐसे शायर हुए हैं, कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, जिन्होंने समाज को बदल दिया। बिल्कुल स्वामी राम तीर्थ का नाम ले लो, स्वामी विवेकानंद जी ने जब लिखा, जब कहा दुनिया बदली है, देश तो बदला दुनिया भी बदली। और एक शायर, एक कवि, उसे ऐसे ही ना समझा जाए, वो बहुत कुछ कर सकता है अगर वो अच्छा लिखे। देखिए, मैं जहाँ एक और एक छोटी सी बात और बिल्कुल जी सुनाऊंगा, बिल्कुल हाँ जी सरकारें जो धर्म की बातें भी करती हैं, धर्मों पर लोगों को लड़ाती भी हैं। मैं किसी प्रोग्राम में था तो मुझे कहा गया कि आप भी इस पर बोलें, तो मैंने वो चंद लाइनें वहाँ कही और बहुत सारे लोगों को अच्छी लगी। मैं समझता हूँ कि अगर अच्छी लगी हैं तो बदलाव भी हो सकता है। बिल्कुल तो वो लाइनें थी के मिटे मजहब के सारे भेद, दुनिया एक जैसी हो। मिटे मजहब के सारे भेद, दुनिया एक जैसी हो, दिलों के फासले कम हों, इनायत जल्द ऐसी हो। सभी धर्मों को दें आदर, करें सम्मान सबका हम, सभी धर्मों को दें आदर। खबरां अते मनोरंजन नाल सज्जा इस चैनल जिथे तुहानू दिखाई जाएंगी देश विदेश दी कुछ खास खबरां अते तुहाडे मनोरंजन लिए दिखाया जाएगा कुछ हिंदी अते कुछ पंजाबी गाने। की दसा मैं कुड़िये नी, तेरे करके किन्नियां कुड़ियां दे। इस दे नाल ही सवेर वेले दिखाई जाएगी कीर्तन दरबार अते साई भजन। घर के आगे साई ना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साई ना तेरा मंदिर बन जाए। अते हर ऐतवार देखना ना भूलो पंजाबी कल्चर ना जुड़िया प्रोग्राम महफिल वेला। ओनली ऑन सबसे फास्ट आमने सामने ते। करें सम्मान सबका हम, सभी धर्मों को दें आदर। करें सम्मान सबका हम, सभी धर्मों को दें आदर। सभी इंसान बराबर हों, मोहब्बत हो तो ऐसी। वाह वाह क्या बात है। अति जी, आप ये बताइए कि हमें, आपको जितने भी शहर लोग हैं, शहर में तो कहते हैं कि ये मुर्दों में भी एक जान डाल देते हैं अगर उनकी शायरी में बहुत दम है तो। शहर तो बैठे बैठे आदमी को इतने तरीके से, इतने बढ़िया ढंग से शायरी सुना दे रहे हैं, तो आदमी वाह वाह करता नहीं थकता। और आपकी
सरकार से किसी प्रकार की उमंग हो या किसी प्रकार की कोई जो भी जरूरत हो या सरकार को कुछ कहना चाहते हैं या सरकार से किसी प्रकार की आपकी मांग हो? लेकिन सरकार कोई भी हो, सरकार को शायरों का, कवियों का, जितने भी लेखक हैं, मेरे हिसाब से यही मैसेज है कि सरकार जो भी काम करे जनहित के लिए करे, लोक कल्याण के लिए करे। कोई नेता या कोई लीडर, जितने भी हमारे जो लोग पॉलिटिशियन में होते हैं, वो अपने लिए ना सोचे। जब अपने लिए सोचते हैं तो समाज तब गलत दिशा में जाता है और वहाँ के जो लोग फिर जब अपने नेता को गलत ढंग से काम करते हैं तो फिर उनके मन में आता है कि हमारा अगर नेता अच्छा नहीं है तो देश कैसे अच्छा होना चाहिए। जो नेता है उसका किरदार, उसका व्यक्तित्व बहुत बड़ी बात है। वो जैसा चलेगा लोग वैसे चलेंगे, इसलिए उसको सिर्फ जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए, जिससे बेरोजगारी जाए, एजुकेशन बढ़िया हो और सभी सुविधाएं हैं जो वो जैसे और देशों में बहुत बढ़िया हैं, वो कैसे हों, ऐसे ऐसे मास्टर प्लान अगर सरकार लाए तो मेरे हिसाब से देश बहुत बढ़िया दिशा की ओर जा सकता है। अत्रि जी, साढ़े देख रहे हमने सामने चैनल के दर्शकों ने कुछ बड़ी शायद सभी लोगों के लिए, जितने हम ये आवाम हैं, सभी के लिए मेरी तरफ से यही मैसेज है कि हम सभी प्यार से रहें। ये जितने भी शायर हैं या कवि हैं, ऐसे लोग जितने भी होते हैं, वो चाहते हैं कि नफ़रतों की जो बात है वो ना की जाए, प्यार की बात हो और साथ वाले जो देश हैं उनके साथ भी मोहब्बत की बात हो। मुझे एक यहाँ एक शेर याद आता है कि मैं खुशबू का हूँ एक झोंका, जहाँ जाऊँगा फैलूँगा। मैं खुशबू का हूँ एक झोंका, जहाँ जाऊँगा फैलूँगा, मुझे सरहद से क्या मतलब, बिना पहचान रह लूँगा। वाह, जो शायर हैं उन्हें सरहदों की ज़रूरत नहीं, वो तो पंछियों की तरह उड़ने जैसी सोच है उनकी। और जहाँ पे दो चार लाइनें फिर मुझे याद आई, मिटे मजहब के सारे भेद, दुनिया एक जैसी हो। मिटे मजहब के सारे भेद, दुनिया एक जैसी हो, दिलों के फासले कम हों, इनायत जल्द ऐसी हो, करें सम्मान सबका हम, सभी धर्मों को दें आदर। करें सम्मान सबका हम, सभी धर्मों को दें आदर, सभी इंसान बराबर हों, सभी इंसान बराबर हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। इस साढ़े अत्रि जी जिड़े कि बहुत वधिया शायर भी हैं, अगर अत्रि साहब उन्होंने सानू इन्ना कुछ, साढ़े दर्शकों ने इन्ना कुछ सुनाया, अपना कीमती समा दे के, असी आमने सामने चैनल वालों की दो शब्द उन्होंने बोलना चाहते हैं। निकल के दिल से अत्रि तेरे वास्ते मैं सदा आई, उठाए हाथ तो यार एक ही दुआई, कि अत्रि की उम्र को हमारी उम्र लग जाए, वक्त साल भी गिने तो गिन गिन कर थक जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा छोटा वीर एस के सक्सेना, जाना नहीं कितने, अगली बार फिर तो असं तुम किसी नवे चेहरे ने मिलान जावे, तद तक इजाजत दियो, नमस्कार।